एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अंकित क्या कर रहे हो? चद्दर गरम कर रहे हैं। तो आप चद्दर उड़ के कहाँ जा रहे हो? जल्दी से ट्रेवल कराया तो। यार अंकित, आपके पास जैकेट नहीं है? वेरी गुड। सो गाइज, हमारी अम्बाला की तैयारियां चल रही हैं, सो फटाफट से आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। गाइज आई एम तो फुली रेडी टू गो। आओ आपको सबसे मिलवाती हूँ, क्या चल रहा है सबका। लेट्स सी। अंकित दिखाओ। हाँ सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। मम्मी आप तो तैयार भी नहीं हुए। मैं बाद में आऊंगी ना, इसलिए तैयार। एक घंटे बाद निकलेगी। हाँ तो मम्मी जल्दी जल्दी पहुंचो, आप भी फटाफट निकलो। पापा जी फुल्ली तैयार हैं, मम्मी का बस सूट पहनना बाकी है, देन लेट्स गो। कुछ नहीं, हाँ भाई सेक्सी लेडी। ओ बिल्कुल सेम, बस कलर अलग है, लाए तो मैं ही थी। ट्यूनिंग ट्यूनिंग चल रही है। बट स्टिल यू आर लुकिंग, स्टिल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। बड़ी बनी है, उनको पटा रहे हो आप? मुझे क्या पटाना? याद ही नहीं। अंकित जी कहाँ हैं? पता नहीं, मैं तो यहाँ। घर नहीं है नहीं। भाई मेरे को ये सामान बनवाना है, करियो रुक मैं फोन करता हूँ। अंकित तो जो हमारे सेटिंग एक्सपर्ट हैं अंकित जीजू, वो अपने काम पे लग चुके हैं, हमारी गाड़ियों में सामान भर रहे हैं बेचारे। मतलब जीजू कहीं गए हुए थे, हमने स्पेशली फोन करके बुलाया है कि हमारी गाड़ी सेट करो। और रेखा दी बहुत दिक्कत हो रही है भाई सामान सेट करने में। आप दिल्ली ले लेते, हमसे ये सारा सामान स्पेशली हमें उठा के अम्बाला लेके जाना पड़ रहा है आपके लिए। सो जीजू कितनी देर में निकल रहे हो आप? शाम को। व्हाट डू यू मीन बाय शाम को? मेकअप है ना, तो एक घंटे में हो जाएगा वो तो। अभी तक ब्राइड ही नहीं आई। अरे अभी आ जाएगी ब्राइड तो। सो गाइस बस भैया एक धक्का और मारा आपने पीछे से बाहर। जीरो ये माउंटेन पैकिंग ना खराब हो, ये दो है ना। ना माउंटेन हमने तो प्लान बनाया। अरे रुक जा, आपने कहा था हम फन करेंगे। ब्राइड तेरी अगर 3-4 बजे से भी पहले आ जाए ना, मुझे बता दी। तो दीदी क्या कर सकती है इसमें? अब वो आते ही कर देंगी, वो ऑब्वियसली आते ही कर देंगी, बट वो उसमें जल्दी कर दूंगा। हाँ वो कर देंगी। अच्छा सुनो, आपने क्या क्या प्लान बनाए थे? अम्बाला के हम चप्पल लेने जाएंगे, हम फोटोज खिंचवाएंगे, हम ये करेंगे, तो मेरे को सारे करने हैं, टाइम से पहुंच जाना। हाँ मैंने कर दिए, इसको देख नहीं। हाँ मेरे चाबी किसके पास? बड्डी मीन भाई, मेरे पति ने भी दिए। देखो कड़े दिए मैंने हाँ। और रिंग भी दिया मैंने। गाइस यहाँ पे भी है गाइस, थोड़ी बस मेरी थोड़ी सी छोटी है गाइस, बट बहुत सुंदर है। मेरे को छोटी छोटी पसंद है। चलो सो गाइस हम निकल चुके हैं अम्बाला के लिए, एंड आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं और अंकित सबसे आगे चल रहे हैं। सब हाँ सब हमारे पीछे हैं, हम सबसे पहले निकले हैं। हमारे बाद है रेखा दी और जसप्रीत जी, जो शायद निकलेंगे मम्मी पापा, मम्मी पापा, प्रीति दीदी सबसे लेट है। प्रीति का मेकअप है, प्रीति दी आपरा गई हुई है, अपना मेकअप कर रही है, ब्राइड को डॉल अप करके वो निकलेंगी। सो हमें बहुत ठंड लगी। प्लान हमारा था सुबह 11 बजे निकलने का सबका इकट्ठे, बट फिर अब सिचुएशन ऐसी हुई, सब अलग अलग निकले, लेकिन हम और रेखा दी साथ ही निकले हैं। वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, शायद वो भी कहीं खाने के लिए बीच में जरूर रुकेगी, तो तब मिलवाएंगे। हाँ तब आपको मिलवाएंगे उनसे। सो अब लेके चले सबको अम्बाला। चलो लेट्स गो। गाइज यूवी आ चुका है अभी। हाय यूवी, हाय कर दो यूवी। यूवी हाय, मैं तो अभी हम सब खेल रहे। सो गाइज थोड़ी सी लाइम लाइट यूवी के माँ बाप को भी दे दो। यस गाइज वाई सो लेट? आप लोगों को कल जाना था ना, कल जाना था ना? ही नहीं, हमें सुबह बड़ा शौक मिला कि आप लोग निकले नहीं। गाइज ये देख लो, इन लड़कियों के हाल देख लो, ऐसी ऐसी रिंग्स तो ये कह रही हैं कि गुम हो गई थी, ढूंढी ना मैंने हाँ। एक घंटा। चलो अब आपकी मेहंदी दिखाओ सबको। लॉकर में ज्यादा मार रही है। ये देखो ये जसप्रीत है दारू की बॉटल के साथ, और ये लस्सी, और ये मैं, और यूवी है। ये यूवी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? नहीं तुम्हें लग रहा है इसके पैर यहाँ पे है, इसकी दिल भी है बेचारा, माँ से बड़ा यूवी लग रहा है इसमें भी यही। लेकिन वेरी सुंदर गाइस, बहुत सुंदर मेहंदी है। कभी ये जसप्रीत होता था गाइस, अब ये युवराज हो गए हैं। बच्चा आने के बाद बाप को ये फेस हो जाता है। तो ये देखो मामा और यूवी खेल रहे हैं बेचारा,
यूवी यूवी चलो स्माइल करके दिखाओ खाएगा। बट इस बात से ज्यादा गुस्सा है कि अंकित को चार दिन से रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि वो गुस्सा है। गाइस मुझे पता ये ना फैक्ट है कि जस्ट अंकित के दोनों जीजा ना बीवी से ज्यादा नाराज होते हैं अंकित से, और अंकित मनाता भी बीवी से ज्यादा है इन दोनों को। ये ना नागिन बन के तुषार की शादी पे नाच रहा था। ओ सच में शर्ट खोल के और ऐसे नहीं सच में नाचा है नागिन बन के। थैंक्स भैया ठीक है भैया, हम हमारा एक डिस्कशन करके आते हैं। कर लो तुम हमारा वहाँ पे। वैसे जिम में जाके लड़कियों के साथ वर्कआउट कर रहा है, आधा नंगा हो गया, बाथरूम में फोटो खिंचवा रहा लड़की से। आज सुबह इसने ना फुल अपनी मतलब ओनली निक्कर में अपनी फोटो क्लिक्स करी है। अरे क्लिक करके भेजता है किसी को डीएम करके, मुझे भी शक है। स्टोरी है वो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। अंकित की मिस कॉल आई है, कॉल करियो क्या कह रहा हूँ। आपको फोन करा मैं तो उठा रही नहीं, मैं जान के नहीं उठा नहीं सो गया। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अंबाला, एंड द बेस्ट पार्ट इज ये वही सेम होटल है जो हमने रेखा दी की शादी में रेखा दी ने हमारे लिए बुक किया था। एंड गाइज ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग, इट्स बेस्ट वेस्टर्न कंट्री वुड्स इन अम्बाला, एंड जस्ट हैव अ लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। अभी मैं आपको बाहर निकल के अच्छे से दिखाती हूँ। सो गाइज हम सबसे पहले पहुंचे हैं एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। लास्ट टाइम हम रेखा दी की शादी में आए थे इस प्रॉपर्टी में, एंड नाउ वी आर अगेन हियर। सो लेट्स वेट फॉर एवरीवन। सो गाइस ये हमारा वेडिंग वेन्यू, लोहड़ी वेन्यू है। हाँ वेडिंग है, यूवी की वेडिंग लग रही है दीदी मुझे तो। ये भाई खर्चा वेडिंग वाला ही है पूरा। सो सारी प्रिपरेशन चल रही है क्योंकि फंक्शन कल है। हाँ ठीक है, नहीं लगेगी दीदी वैसे क्योंकि यहाँ फायर हो जाएगी, और ठीक है बहुत सुंदर है, मजा आएगा दी बहुत सारा। तो गाइज हमें रेखा दीदी ने रूम भी वही दिया है जो हमारा लास्ट टाइम था। दीदी मतलब पूरी मेमोरीज याद दिला रहे हो आप अपनी शादी की। मैं रात को इसको मिलने आया था, ये उस बेड पे कोने में लेटी हुई थी और मैं से काफी थी। गाइस उस टाइम मैं रेखा दी की फ्रेंड थी, आज मैं रेखा दी की भाभी बन गई हूँ। हमें सब पता था वो क्या जी तुम्हारे साथ। सो उन्होंने कहा हीटर ऑलरेडी रखे हुए रूम में, दिल्ली वालों को किसी पे भरोसा नहीं है। तो गाइस ये देखो नेक्स्ट रूम, ये प्रीति दीदी जीजू का, मैम वो डिपेंड करता है ना आज भी। प्रीति दीदी जीजू का रूम, मम्मी पापा जल्दी फोन करेंगे। सो यहाँ पे रेखा दीदी की हल्दी का फंक्शन हुआ था, एंड वो टेरेस पे था। व्लॉग्स नहीं बनाते थे, हाँ बनाते हो इतना सब कुछ दिखाते, सब कुछ दिखाते हो। गाइस हमने इतना एंजॉय किया था दी के फंक्शन में, और ये यहाँ पे इनका इन्फिनिटी पूल है, और इतनी ज्यादा फॉग है अभी इस टाइम पे कि आपको सब ब्लर दिख रहा होगा। एंड वहाँ दीदी के हल्दी लगी थी ऊपर वाले एरिया पे, यहाँ डीजे था, और बहुत मतलब एक्सट्रीम फन किया था हमने। तो गाइस अब मम्मी पापा भी पहुंच चुके हैं। हाँ जी मम्मी,
कैसी रही आपकी ट्रैवलिंग? बहुत अच्छी। पापा जी को तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। बहुत नजदीक है। ठीक नहीं हो गया एक दिन पहले आया, कल भी इसी टाइम पहुंचते और फिर आके तैयार होना। तैयार होना ये तो फंक्शन का टाइम है हमारा। मम्मी बहुत सुंदर लग रहे हो। हाँ बहुत ही सुंदर लग रहे हो। नाइस। अंकित क्या कर रहे हो आप? बेटे का गद्दा लगवा रहा हूँ। बाप के फर्ज निभा रहे हो। ठीक है, अंकित का 28 साल का बेटा, अंकित की एज से बड़ा बेटा है अंकित के पास। तो गाइस विशु लेट नाइट आएगा और अंकित कहाँ उसे दूसरे रूम में सुला पाएगा। अंकित को चाहिए कि विशु उसके बिल्कुल ऐसे हाथ की रीच पे हो। तो अंकित ने मतलब पूरी रात बेचारा पिटेगा। तो गाइस उसका गद्दा अंकित ने पहले ही लगवा दिया है कि विशु अंकित से दूर नहीं जाना। अंकित की बीवी दूर जा सकती है, बेटा दूर नहीं जाना चाहिए। को तो बहुत ही ठंड लग रही है भाई यार, सामने देख। तीन तीन चार बेटा ठंड देख। गाइस अम्बाला में बहुत ज्यादा ठंड है। और एक बार जरा अंकित को देख लो, इसे तीक दो और नीचे स्वेटर मफलर फिर एक मफलर पांच। भाई गॉड। अच्छा आप जा कहाँ रहे हो? अरे यार अंकित जी ने सारा प्लान खराब कर दिया। अंकित जी सीधा पहुंच गए जसप्रीत जी के घर। अच्छा तो जसप्रीत जी कह रहे हैं हाँ, चलो जी आ रहे हैं। तो गाइस अब हम आपको रेखा दी के अम्बाला वाले घर लेके चलते हैं और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हम उनके घर में नहीं घुसेंगे, बट थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। वो बहुत अच्छी हाँ, एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देंगे हम आपको दीदी के घर का। लेट्स गो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दीदी के अम्बाला वाले घर में एंड लेट्स गो। आपको थोड़ा सा घर दिखा देते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ठंड हो रही है। सो ये ब्यूटीफुल सा दीदी का गार्डन एरिया है जहाँ पे मासी ने इतनी प्यारे प्यारे प्लांटर्स लगाए हुए हैं। एंड लेट्स गो इनसाइड नाउ। ये सबसे अरे बाबा खा लिया 2 घंटे पहले। मम्मी ने नहीं खाया। और 2 घंटे पहले बोला, 2 घंटे पहले बोला आपने, कहा हाँ चल मैं 1 घंटे में पहुंच रही हूँ। सो गाइज जस्ट हैव अ लुक, मासी ने घर कितना अमेजिंगली डेकोरेट किया हुआ है। ये सारी मासी की मेहनत है। सो मासी इतनी प्यारा घर आपने डेकोरेट किया हुआ है। देखो मासी की इतनी बड़ी किचन है गाइज, जो दिल्ली वाले उम्मीद ही करते रहते हैं कि हमें इतनी बड़ी किचन मिल जाए। सो अब आपको थोड़ा सा लॉबी में ही दिखाते हैं। ये मासी का डाइनिंग एरिया है, ये प्रॉपर सोफा एरिया है एंड वहाँ पे दीदी का और मासी का रूम है और यहाँ पे गेस्ट रूम है। सो और प्रॉपर होम टूर आपको कभी और देंगे। तो गाइज अब हम आए हैं अम्बाला हवेली फॉर द डिनर एंड बहुत ब्यूटीफुल है। एंड गाइज मम्मी पापा को देखो, मम्मी ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड क्या पूरी बरस रही है। दिल्ली में तो बहुत कम है इसके हिसाब से। अम्बाला बहुत है यार। चलो फिर आओ अब थोड़ा डिनर कर ले, बहुत देर हो गई हमें आए हुए। सो लेट्स गो। आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देते हैं। बहुत ही प्यारी एंड प्रॉपर ऑथेंटिक हवेली लग रही है, जैसे एक्चुअल थोड़ा विलेज टच हो एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस। जस्ट हैव अ लुक सी, यहाँ पे प्रॉपर झूला भी लगा हुआ एंड इट्स टू ब्यूटीफुल गाइस। खाना आ गया और अंकित से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, मेरे को बिल्कुल वीडियो नहीं बनाने दे रहे हो आप। गाइस मेरा खाना आ गया एंड सबको बहुत भूख लगी हुई है, कोई वेट नहीं कर रहा। तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड होता है। ठीक है हाँ बढ़िया, अपनी नींद पूरी करेंगे। तो गाइस बहुत सुपर धुंध है बाहर एंड गाइस ये व्लॉग्स कंटिन्यू रहने वाले हैं अभी 3 दिन, बट ये व्लॉग यही एंड होता है। आप इसको बहुत सारा प्यार दो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।